उत्तर प्रदेश देवरिया जनपद के अंदर ग्राम प्रधानों ने और बीडीसी के पद पर जीते हुए प्रत्याशियों ने अपने अपने ग्राम सभा में कोरोना महामारी को देखते हुए अपने ग्राम सभाओं में सैनिटाइजर करवा रहे हैं और इस बीमारी से जनपद के अंदर बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं और अपने ग्राम सभा में ही जो लोग सतर्क नहीं हैं उनको सतर्क कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों और बड़ों को बीमारी से बचाएं। ग्राम प्रधान पूरे गांव में और बीडीसी प्रत्याशी अपने अपने गांवों में जाकर सैनिटाइजर करा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जैसी कोरोना महामारी चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मास्क वगैरह लगाने का हर चीज़ की जानकारी दी जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। देखिए निगम पांडे की इस खास रिपोर्ट में। मैं ग्राम धनौती कराने वाला हूँ, जिला देवरिया और तहसील सलेमपुर। अभी आप बीडीसी का चुनाव लड़े थे जी, कितने वोटों से विजयी हुए हैं? सर हम अपने ग्राम सभा से 18 वोटों से विजयी हुए हैं। आपके साथ कितने लोग मैदान में थे बीडीसी के प्रत्याशी? प्रत्याशी हमारे यहाँ से ग्राम सभा में 4 प्रत्याशी थे। 4 थे जी, मुझे लेकर के साथ में। आपको लेकर जी, कितने वोटों से विजयी हुए आप? 18 वोटों से। 18 वोटों से आप अपने ग्राम वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे कहने के माध्यम से? मैं अपने ग्रामवासियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई भी काम आता है अपने ग्राम सभा के लिए तो मैं 5 साल कार्य करने के लिए तत्पर हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार गौड़ है। ग्राम सभा मंगराइच ब्लॉक भटनी, जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र यादव है। ग्राम सभा मंगराइच है, पुष्प बदौली है, जिला देवरिया है, ब्लॉक भटनी है, तहसील सलेमपुर है। अच्छा, आपके साथ आप चुनाव लड़े थे जी, कितने लोग प्रत्याशी आपके साथ? 8 लोग थे सर। 8 लोग थे जी। कितने वोटों से आप विजयी हुए? 384 वोट से। 384 वोट जी। गांव की जनता आपको इस बार नया प्रधान बनाई है जी। जी, तो आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, कुछ आपको जानकारी? जो समस्या है वो उसको निपटाया जाएगा, अभी जो देखा जाएगा उसको किया जाएगा। मतलब आपके ग्राम सभा में नाली, सड़क, खड़ंजा, पेयजल की सुविधा है? जी, सुविधा है सब, अभी सारी सुविधा है जी। पानी टंकी नहीं है। अच्छा, हर ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है, हर ग्राम सभा के जो नए प्रधान हुए हैं कोरोना महामारी के चलते हुए, हर ग्राम सभा अपने को सैनिटाइज करा रहे हैं, क्या आप ऐसी पहल कर रहे हैं क्या? जी, मैं करवाया हूँ सैनिटाइज। सैनिटाइज करवाया जी। जी, पूरे अपने ग्राम सभा को सैनिटाइज करवाया? जी, करवाया हूँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम मंगराइच, पुष्प बदौली, जिला देवरिया, थाना कुकुंदू, ब्लॉक भटनी, तहसील सलेमपुर। और अपना परिचय, किस गांव से आप प्रधान चुने गए हैं? ठीक है जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यप्रकाश गुमर, मैं ग्राम परसिया करकटही का रहने वाला हूँ, न्याय पंचायत पिपरा शुक्ल, ब्लॉक भटनी से। मेरी बीवी अनिता देवी नवनिर्वाचित से ग्राम प्रधान चुनी गई हैं और मैं अपने गांव के लोगों को इसका जो है कि भागीदारी जो भी हमारे साथ दिए हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं, उन लोग को जो है कि मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और इसी के साथ जो शुभकामनाएँ देता हूँ और 5 साल भी उनके साथ देता रहूँगे। जो हमारे सरकार जागरूक हो रही है, हम भी उसी तरह से नया प्रधान जागरूक हूँ और मैं अपने ग्राम को सेंट्रलाइज करते हुए और कोरोना के गांव से दूर हटाने का कृपा करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भी ये मीडिया प्रभारी हमारे यहाँ चल के आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि मेरे बात को आगे तक पहुँचाएँ और मेरे ग्राम सभा में विवाह भवन नहीं है, चाहे जो भी सुविधाएँ उत्पन्न नहीं है उसको जो है कि हमारे पास प्रदान कराने का कष्ट करें। तो हमारे ग्राम सभा में बनी हुई है लेकिन नारी नाला का भी समस्या है और रोड का भी समस्या है। हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में रोड जो है कि पक्की हो और नाली जो है कि अंडरग्राउंड जो है कि अच्छा से बने ताकि रोड भी सही रहे और नाली भी सही रहे, गंदगी का शिकार लोग ना हो। आप प्रधान हुए हैं तो क्या इस कामों को आप स्वयं करेंगे? हाँ, हम स्वयं करेंगे।
अच्छा, और क्या क्या समस्या? पेयजल की सुविधा है आपके गाँव में? नहीं सुविधा है सर, हम ये भी जो है कि नहीं हमारे यहाँ टंकी पास हो गई है। अच्छा। पेयजल का सुविधा जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि वो भी क्लियर हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश कुमार, ग्राम परसिया कर के नहीं। क्या यहाँ उपचुनाव भी हुआ था क्या? नहीं, उपचुनाव में ही हम लोग हुए। पुनः चुनाव हुआ था तो प्रत्याशी के मृत्यु तो होने के कारण चुनाव हमारा रुक गया था, फिर उपचुनाव हुआ है उसमें हम लोग जो है कि चुने गए हैं।